हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट वन हिस्ट्री विषय के पेपर वन फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर टॉपिक गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस व अन्य कई रचनाओं के प्रणेता रहे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 और उनकी मृत्यु 1623 में हुई। मध्यकाल में इनका जन्म हुआ और जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधित्व एवं प्रभावशाली कवि के रूप में हमारे सामने अभी उनका आविर्भाव हुआ। इस समय जो समाज में निष्क्रियता आ चुकी थी, उस समाज के अंदर भारतीय संस्कृति के मूल्यों को पुनः जीवित करने का कार्य गोस्वामी तुलसीदास ने किया। कट्टरता की श्रृंखलाओं को शिथिल करते हुए लोक कल्याण और मर्यादा का संदेश लेकर ये अवतरित हुए। इनके जन्म के बारे में इतना निश्चित नहीं कहा जा सकता है, परंतु इनकी मृत्यु के लिए एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, अर्थात उन्होंने 1680 ईस्वी में श्रावण शुक्ला सप्तमी को अपना शरीर या वो मृत्यु को प्राप्त हुए। गोस्वामी जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया और धीरे धीरे उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया। सन्यासियों की संगति में गए और उनके अनुभव से पाप दुख दरिद्रता कर्म आस्था साहस से विहीन तत्कालीन समाज की जरूरत को पहचाना। सबसे बड़ी ज़रूरत उनके लिए लोक धर्म और संस्कृति में बिखरी हुई व्यवस्था को व्यवस्थित करना रहा। उन्होंने अपना विख्यात ग्रंथ रामचरितमानस, जो उनकी कीर्ति का स्तंभ है, भारतीयों के हृदय पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो अवधि भाषा में लिखा गया और जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का स्वरूप वाल्मीकि की रामायण के में एक उत्तर कांड के अंतर्गत लव कुश का जो वर्णन मिलता है वो रामचरितमानस में नहीं मिलता है। राम के अभिषेक के बाद रामचरितमानस का अध्याय या रामचरितमानस ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञ प्रश्न, भैरव रामायण, रामलल्लान हचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जो दो भाषाओं में अवधि और ब्रज भाषाओं में इनका वर्णन प्राप्त होता है। इनको महान लोकनायक बताया गया। मध्यकाल में निराश तथा पद्दलित हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया और हिंदू धर्म की रक्षा की। जो समाज में विश्रृंखलता तथा अव्यवस्था को व्यवस्थित किया। भक्ति काल के निर्गुण उपासक संत धर्म और समाज में प्रचलित परंपराओं की निंदा कर सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं पर जो प्रहार करते थे, उस प्रहार का जवाब उन्होंने मूर्ति पूजा तथा पौराणिक धर्म को स्थापित करके दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं द्वारा जनता को उस समय की बुराइयों से अवगत कराकर भक्ति और प्रेम के मार्ग का अनुसरण किया। रामचरितमानस जनसाधारण की बोलचाल भाषा में लिखकर उन्होंने लोक कवि का पद प्राप्त किया और इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने राम को जन जन के हृदय का स्वामी बना दिया। वास्तव में महात्मा बुद्ध के बाद यदि कोई लोकनायक हुआ तो वह तुलसीदास थे, जिन्होंने जो संस्कृति के रक्षक, समाज के सुधारक और समन्वयकारी संत थे। तुलसीदास जी के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, अकबर की विजय वास्तव में क्षणिक थी, आपकी काव्य संबंधी विजय सदैव के लिए बनी रही, क्योंकि ये जनता के हृदय पर विजय थी। यही कारण है कि गोस्वामी जी की भावनामय रचनाओं का पठन पाठन आज भी हिंदू समाज के हृदय में समाहित है और समाज में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। धन्यवाद।